बचपन से हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया है कि बेटा फ्री नाम की कोई चीज नहीं होती, और अगर कोई बंदा आपको कोई फ्री की चीज ऑफर कर रहा है तो हो सकता है कि वो एक स्कैम और एक फ्रॉड हो। लेकिन आज भी लोग पॉलिटिकल पार्टीज को फ्री बीज और फ्री इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे वोट दे रहे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के अंदर 23 जून को ऐसा अनाउंस कर दिया था कि अगर उनकी सरकार बनती है पंजाब के अंदर तो वो 0 से लेकर 200 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, मतलब 0 बिल आएगा लोगों का, और 200 से 400 तक 50% फ्री, मतलब आधा बिल आएगा लोगों का। और ऐसा ही कुछ उन्होंने दिल्ली के अंदर भी किया था, लेकिन दिल्ली में जो हुआ था वो पंजाब में हो सकता है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब के सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत अलग अलग हैं। और ये दिल्ली में कैसे इंप्लीमेंट हो पा रहा है, इन्हीं कुछ मुद्दों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। सो वेलकम टू यू ऑल इन टुडेज एपिसोड टाइटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोपेगेंडा ऑफ अरविंद केजरीवाल। सबसे पहले जब सरकार किसी चीज को प्रमोट कर रही हो, जैसे कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं, तो सरकार उनके रोड टैक्स पे कुछ सब्सिडी दे देगी ताकि वो अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल हो मार्केट में और लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदे, प्रमोट हो सके खरीदने के लिए। दूसरा रीजन आता है कि जब सरकार बिलो पॉवर्टी लाइन जो सिटीजन है उनके वेलफेयर के लिए करे, क्योंकि सरकार एलपीजी और राशन पे कुछ सब्सिडी देती है ताकि वो अवेलेबल हो अफोर्डेबल प्राइस पे और बिलो पॉवर्टी लाइन सिटीजन का सर्वाइवल हो सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो सब्सिडी देने लग रहे हैं दिल्ली के अंदर, ये दोनों रीजन से मीट नहीं होता है। तो आखिर में क्वेश्चन आ जाता है कि ये सब्सिडी देना सही है या फिर गलत। अब इस बात को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि क्या कॉस्ट पे कर रही है अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट इन सब्सिडीज के लिए। दिल्ली का 2021 का एनुअल बजट था 69,000 करोड़ का। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बजट है। अगर मैं कंपेयर करूँ 2014 से तो 36,966 करोड़ का था, जो कि अब इवेंचुअली डबल हो चुका है। इस बजट का 4.75% मतलब 3,200 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी ने लगाए हैं अपने पावर सेक्टर को, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को। अब ये इतना बड़ा बजट देख के आपको लग रहा होगा कि वाह दिल्ली में तो बहुत डेवलपमेंट हो रही होगी पावर सेक्टर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दिल्ली में इस पावर बजट का 96% दिया जा रहा है सब्सिडी देने में, मतलब 3,000 करोड़ के आसपास जो पावर बजट है वो सिर्फ सब्सिडी देने में चला जाता है। तो अभी ये क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि इतनी सब्सिडीज देना दिल्ली में क्या लेजिट है? और इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से बहुत ज्यादा एलिगेशन लगाए जाते हैं अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट पे। सबसे पहला एलिगेशन ये लगाया जाता है कि जो दिल्ली की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम कर रही है, वो क्या इतनी सब्सिडीज देने के बाद भी प्रॉफिटेबल है? तो दिल्ली में मेन 3 मेजर कंपनीज हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है दिल्ली बोर्ड के अंदर, और इन तीनों कंपनीज बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है। करीबन 400 से 500 करोड़ का इनका प्रॉफिट मार्जिन है 2021 का, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरा इंडिकेशन ये लगता है कि इन्होंने 0 से 200 और 200 से 400 यूनिट तक सब्सिडी दी है, लेकिन जो डोमेस्टिक कंज्यूमर और कमर्शियल कंज्यूमर 400 से ऊपर की सब्सिडी यूज कर रहे हैं, यूनिट्स यूज कर रहे हैं, उनके इन्होंने टैरिफ बढ़ा दिए होंगे तभी ये सब्सिडी दे पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि दिल्ली के अंदर 6 साल कंसेक्यूटिव ईयर से कोई भी टैरिफ हाई नहीं हुआ है, कोई भी प्राइस हाइक नहीं हुआ है टैरिफ के अंदर। तीसरा एलिगेशन ये लगता है कि दिल्ली जब इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रही है सब्सिडी देने में, तो फिर तो दिल्ली की जो इकोनॉमी है वो तो बहुत डाउन चली गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है दोस्तों। दिल्ली की जो इकोनॉमी वैल्यू है वो हर साल 2% से ग्रोथ हो रही है, और ये एक फैक्ट है। चौथा एलिगेशन दिल्ली गवर्नमेंट पे ये लगाया जाता है कि जब दिल्ली गवर्नमेंट इतना सारा पैसा खर्च कर रही है सिर्फ सब्सिडीज देने में और डेवलपमेंट में पावर सेक्टर में कुछ काम हो नहीं रहा है, तो दिल्ली में तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े मेजर कट्स देखने को मिल जाते होंगे, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है दोस्तों। रिपोर्ट्स कहती हैं कि दिल्ली के अंदर कोई भी मेजर कट्स देखने को नहीं मिले हैं पिछले 6 सालों में, और ये कभी कभी एक्सेप्शन होता है कि जब कोई ग्लिच आ जाता है पावर सेक्टर के अंदर। अब ये जो अचीवमेंट अरविंद केजरीवाल जी ने जो अचीव करी है वो कितनी बड़ी, क्या इसके पक्ष में लोग कहते हैं? कुछ रिपोर्ट्स ये बताती है कि जो दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है वो पूरे इंडिया में सबसे कम रेट है, मतलब सबसे सस्ती इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली के लोगों को ही मिलती है। कुछ आर्टिकल्स ने तो ये भी कह दिया है कि एक स्मार्ट गवर्नेंस का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये तक कह दिया है कि हम इसे अपने देश में भी इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छा मॉडल है। लंदन के कुछ जर्नलिस्ट ने भी अरविंद केजरीवाल जी की बहुत तारीफ करी थी इस बारे में कि एक बहुत अच्छा मॉडल है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन इतना अच्छे से काम करने के बाद अभी भी एक क्वेश्चन उठ जाता है कि क्यों इतना पैसा सब्सिडी में खर्च हो रहा है, कि ये पैसा कहीं और खर्च नहीं हो सकता डेवलपमेंट में दिल्ली की? तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ जिसमें मैं बात करूँ कि दिल्ली की इकोनॉमी कैसी चल रही है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगा वीडियो। दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट करने के बाद भी पंजाब के अंदर ये सब करना अभी भी बहुत अनरियलिस्टिक सा लगता है।
क्योंकि पंजाब में अभी करंटली एक इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस चल रहा है। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी ट्विटर पे जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री के पास वाले गांव के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां के लोग अपने मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना कर रहे हैं। पंजाब के अंदर जो प्रॉमिस किया गया था 8 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का, वो भी पूरा नहीं हो पाया। तो क्या कारण है इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस पंजाब के पीछे? एक्चुअल में अगर मैं सीधी सीधी बात बताऊं तो ये डिमांड और सप्लाई के डेफिसिट का कारण है। पंजाब के अंदर 14,225 किलोवाट की डिमांड है और सप्लाई सिर्फ 12,800 किलोवाट की है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने तो अपने भाषण में कहा था कि पंजाब के अंदर सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। एक बार देखिए, पंजाब के अंदर बिजली बनती है, पंजाब अपनी बिजली बनाता है, जितनी बिजली पंजाब को चाहिए उससे ज्यादा बिजली पंजाब बनाता है, उसके बावजूद सबसे महंगी बिजली पूरे देश में पंजाब में क्यों मिलती है? अब यहाँ पे मैं अरविंद केजरीवाल जी को बिल्कुल गलत नहीं बोलूंगा, वो 80% ठीक है और 20% गलत है, क्योंकि पंजाब के अंदर सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, लेकिन गर्मियों के 4 महीने ये 1500 और 1200 किलोवाट का डेफिसिट आ जाता है। पंजाब के जो करंटली पावर सेक्टर मिनिस्टर है उन्होंने ऐसा बोला है कि पंजाब के अंदर गर्मी के महीनों में इतना बड़ा डेफिसिट इस वजह से आया है क्योंकि अब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो जो 20 लोग एक कमरे में बैठ के 3 AC में भी काम कर सकते थे, अब वो 20 के 20 लोग अपने घरों में बैठ के काम कर रहे हैं जहाँ पे 20 अलग अलग AC चल रहे हैं, इस वजह से पावर की डिमांड बढ़ चुकी है। और दूसरा रीजन ये आता है कि पंजाब के अंदर जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है, इसलिए फार्मर्स को और ज्यादा पावर का ट्यूबवेल लगाना पड़ता है और वो बहुत ज्यादा पावर कंजर्व करता है, इसी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी भी समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा डेफिसिट क्यों आ गया पंजाब के अंदर। इस बात को समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि पंजाब में पहले 5 थर्मल कोल प्लांट्स थे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे। अब पंजाब की गवर्नमेंट ने उनमें से 2 थर्मल कोल प्लांट्स को बंद कर दिया क्योंकि उनकी एजिंग 25 साल से ऊपर हो चुकी थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के फेडरल के हिसाब से जिन थर्मल कोल प्लांट्स की एजिंग 25 साल से ऊपर हो चुकी है उन्हें बंद करना पड़ेगा एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। तो ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से पंजाब के अंदर इतना बड़ा इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस चल रहा है। लेकिन डूबते को तिनके के सहारे की तरह वहां पे अरविंद केजरीवाल जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि 200 से 400 यूनिट्स तक हम 50% सब्सिडी देंगे, 0 से 200 तक हम फुल सब्सिडी देंगे, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाएगी पंजाब जैसे देश में, और जितने भी पुराने बिल है उन सबको माफ कर दिया जाएगा। अब कुछ लोग यहाँ पे बहस करते हैं कि क्यों नहीं हो सकता, जब ये दिल्ली में हो सकता है तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकता। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि दिल्ली के सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर बहुत अलग है पंजाब से, तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जो वादे हुए हैं वो क्या पूरे होंगे। आपकी क्या राय है इस विषय में कि ये एक जुमला है या सच्चाई है अरविंद केजरीवाल जी ऐसा कर सकते हैं? क्या ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोपेगेंडा अरविंद केजरीवाल जी का जो वो हर जगह फैलाते हैं वोट देने के लिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो का टॉपिक क्या बनाओ। मैंने सोचा है कि जो भी होर्डिंग्स लगे हुए हैं जगह जगह पे यूपी गवर्नमेंट की प्रेजेस के लिए उस पर वीडियो बनाओ। अभी मैंने रिसर्च तो नहीं करी है कि ये सही है या गलत है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। उससे कोई सवाल हो या मुझे बातचीत करने के मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दो, मुझसे अपडेट्स लेने के लिए। और जो मेरा फर्स्ट थॉट होता है वो मैं ट्विटर पे डाल देता हूँ, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और टिल देन स्टे होम स्टे सेफ, आई होप यू विल हैव अ वेरी गुड डे।